हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं आज आपको ये जो रेसिपी दिखा रही हूँ ये है व्रत में खाने वाले, जो कि हम कार्तिक मास में ये व्रत करते हैं। जो 5 दिन ये व्रत होता है, जो एकादशी से लेके पूर्णमी तक ये व्रत होता है, इसी में हम ये सब बना के खाते हैं। आज रेसिपी दिखाऊंगी, तो चलिए मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है दाल, मूंग दाल ही लेंगे, और ये एक आलू को मैंने कट कर लिया है, छोटा सा अदरक लिया है, और ये एलिफेंट एप्पल मैंने लिया है, और यहाँ मैंने अरबी रूट लिया है, जो कि हम उड़िया में इसे सारू बोलते हैं, तो हमें ये सब लिया है। आरा रूट भी इसे बोलते हैं। तो चलिए पहले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक जो कि हंडी होता है छोटा वाला, तो उसे मैंने ले लिया है। उस पर ये जो मूंग दाल 1 कटोरी मैंने लिया है, बस इसे हम डाल के फ्राई करेंगे। तो इसे हल्का सा ही फ्राई कर लेंगे। तो बस फ्राई, थोड़ा सा ही इसे फ्राई कर लीजिए, और उसके बाद इसे निकाल के धो लेना है हमें। तो देखिए, यहाँ मैंने दाल को निकाल के धो लिया था, और इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। तो इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे, और उसके बाद 1 चम्मच इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। तो आप स्वाद अनुसार नमक डालें, जितना डाल उतना ही आप नमक लें। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये पानी थोड़ा गर्म हो गया है, तो मैं उसमें ये जो आलू, मैंने एक आलू को काट करके रखा था, उसे मैं डाल दूँगी। उसके बाद इसे ढक्कन दे देंगे, बस 2 मिनट के लिए ढक्कन दे दें। 2 मिनट के बाद इसे थोड़ा सा निकालें, क्योंकि ये जो दाल है वो पानी ऊपर उठ जाता है तो दिक्कत होगी, तो चारों तरफ से ये पानी फैल जाएगा। तो बस हम ढक्कन थोड़ा सा निकाल देते हैं। और उसके बाद ढक्कन थोड़ा हटाएंगे, क्योंकि ये 2-3 मिनट हो गया है, दाली थोड़ा ही गल गया है। तो देख लेते हैं दाली कितना गल गया है। तो देखिए, थोड़ा सा ही गला है। उसी टाइम इस पे हम डाल देंगे ये जो हमने अरारूट रखे थे काट के, या अरबी भी बोल सकते हैं, तो अरबी को हमने इसमें डाल देना है। इसे डालने के बाद मैंने यहाँ भरता बनाने के लिए मैंने एक आलू को 4 टुकड़ों में काट लिया है, इसका हम भरता बनाएंगे। तो इसमें ये बॉयल हो जाएगा, तो मैंने इसमें डाल दिया है, तो गैस हमारा कम भी खर्च होगा। तो चलिए, इसका भी ढक्कन अभी लगा देते हैं आधा। तो अब चलिए, 5-10 मिनट हो गया है, तो अब हम ढक्कन हटा देते हैं। अभी देखते हैं कि ये दाल कितना गल गया है। तो ये देखिए, दाल थोड़ा गल गया है मुझे लग रहा है। अभी देख लेते हैं आलू और ये अरबी हमारा कितना बॉयल हो गया है। तो देखिए, ये आलू और ये अरबी दोनों ही बॉयल हो गया है अच्छे से। तब बस हम यहाँ इस आलू को निकाल लेंगे भरता के लिए। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद ही हम ये जो एलिफेंट एप्पल को रखे थे कट करके, तो उसे हम डाल देंगे। उसे डालने के बाद उसे फिर से ढक्कन लगा देंगे 2 मिनट के लिए। तो चलिए, 2 मिनट हो गया है, अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, दाल भी अच्छी तरीके से गल गया है, और ये एलिफेंट एप्पल भी ये बॉयल हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो निकाल लेने के बाद अभी चलिए, मैं कढ़ाई गरम कर रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ ये जो सूखे हुए मिर्च और थोड़ा जीरा, ये को इसको हम थोड़ा हल्का ही भून लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे 2-4 ब्लैक पेपर और ये 2 लौंग। तो ये हो गया है हल्का, इसे हम निकाल लेते हैं, इसका हमें पाउडर चाहिए। तो उसके बाद फिर से कढ़ाई गरम कर लेते हैं, और कढ़ाई में डाल देते हैं 2 सूखे हुए लाल मिर्च। अब डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। अब ये जीरा डालने के बाद यहाँ डाल देंगे हम इसमें घी, तो 1 चम्मच घी डाल देंगे।
और घी डालने के बाद ये थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम डाल देंगे ये जो अदरक हमने कूट के रखे थे, तो उसे थोड़ा ही फ्राई करेंगे। उसके बाद डाल देंगे, मैंने यहाँ कुछ करी लीव्स रखे थे, उसे करी लीव्स डाल देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर, ये डालने के बाद तुरंत ही आप ये जो दाल हमने बना के रखे थे उसे डाल देंगे। और तुरंत ही डालने के बाद ढक्कन लगा देंगे, बस एक मिनट के लिए इसका ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद ये जो जीरा और ये सूखे मिर्च को हमने फ्राई करके रखा था उसे हम इसमें कूट लेंगे। इसे दबा के आप इसमें भी बेलन से भी आप इसका पाउडर बना सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। आप तुरंत ही इसे फ्राई करिए और बेलन से इसका पाउडर बनाइए तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम पहले से ही इसे फ्राई करके पाउडर बना के रखते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तुरंत ही बना लीजिए, उसका टेस्ट अच्छा रहेगा। तो उसके बाद चलिए एक मिनट हो चुका है, ढक्कन निकाल लेते हैं और यहाँ हमने ये जो पाउडर बना के रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छी तरह से आप चारों तरफ से ये पाउडर को आप डाल दीजिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद तुरंत आप ढक्कन लगा के इसे साइड में रख दीजिए। उसके बाद यहाँ हमारा भात हम देख लेते हैं। तो ये जो हम प्रसाद में खाने वाला भात उसी चावल से मैं बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ एक कटोरी चावल को धो लिया है और थोड़ा पानी दे के चावल को धो के मैं इसमें डाल दिया हूँ। ये जो भात खाने वाला चावल होता है इसे आप पानी गर्म करने होने के बाद ही चावल को डालें, नहीं तो ये भात अच्छा नहीं होता है। तो चलिए ये भात का थोड़ा उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे तरह ये भात आपका 2-3 मिनट में या 5 मिनट में अच्छी तरह से बन जाता है। तो बस अभी चेक कर लेते हैं कितना हुआ है भात। तो देखिए ये थोड़ा चावल है, तो बस उसे हम और 2 मिनट के लिए इसे ही छोड़ देते हैं। तो अभी देख लेते हैं ये कितना हुआ कि नहीं। तो देखिए ये भात हमारा बिल्कुल हो गया है, क्योंकि ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे क्योंकि ये भात अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे देखिए, उसके बाद मैंने इसे छान लिया है। तो देखिए भात अच्छी तरह से हो गया है। तो भी बस इसका ढक्कन हम आधा ही लगाएंगे क्योंकि ये भात जल्दी से गल जाता है। तो चलिए देखिए दाल में मैंने जो आलू डाला था उसको मैंने निकाल लिया था पहले और उसे मैंने मैश कर लिया है, या आप ग्रेट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसका छौंक लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी और यहाँ डाल दिया है 2 हरी मिर्च और 1 सूखी मिर्च को मैंने डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें डाल देंगे जीरा। तो जीरा को थोड़ा चटकने के बाद यहाँ मैंने डाल दूंगी ये जो अदरक मैंने थोड़ा पहले से ही कूट के रखा था, बस उसी अदरक को हमने डाल देना है। ये आलू की भरता में बहुत टेस्ट लगेगा। तो ये देखिए हो गया है, इसे ज़्यादा नहीं हमें फ्राई करना है, इसे हम निकाल के इस भरते में डाल देंगे। और इसे डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए बनके तैयार हो गया हमारा ये पंचक में खाने वाले भात अन्न प्रसाद, जो कि हम इसे अन्न बोलते हैं। तो आप इस तरह से बना के खाइए और विष्णु जी की आराधना कीजिए। और कैसा लगा मुझे